द्वितीय बक्षीस 15,001 रुपये आदरणीय श्री विजय भैरू पाटील माजी सैनिक व आदरणीय भैरू फिटनेस प्रोफेसर आमच्या कमिटीचे सदस्य प्रमोद इंगळे यांनी करावा अशी विनंती करतो. आजच्या खेळाचे नाणेफेक आदरणीय दिनेश अगले यांनी करावं अशी विनंती करतो. धन्यवाद साहेब. शिवसेना वर्सेस केसरी टीम मध्ये पहिला नंबर घेतला होता आणि त्याचबरोबर बलाढ्य संघ मानलं जात आणि त्यानंतर शिवसेना संघ ते दुसऱ्या टुर्नामेंट मध्ये पहिला नंबर घेत होता. निलेशला बोलवतो. कृपया नाणे फेक करून घ्या कप्तान. केसरी इलेवन या संघांना नाणे फेकून जिंकलेला आहे. नशिबाची साथ मिळाली तर मॅच पण जिंकू शकतात कारण मालक खूप हौशी आहेत. ग्रामपंचायत सदस्य आहेत. त्याचबरोबर सर्व पाहुण्यांना मी विनंती करतोय की सर्वांना पुन्हा एकदा विनंती करतो की कृपया राष्ट्रगीत चालू असताना कुणी बसू नये, मान सन्मान द्यायचा आहे. हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जगति तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गावे तव जय गाथा जन जन मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय मातरम मातरम. अच्छा करो टास्क बोल से टास्क बजरंगे.
बस तो दूसरी गेंद श्रीकांत देसाई खेल दिया क्या ड्रॉप रिवर्स शॉट लेकिन थोड़ी सी आउटफील्ड खराब होने के कारण सामना करेंगे नितिन फिर से शॉर्ट पिच गेंद लेकिन खिलाड़ियों के डिसाइड किए आगे वाली गेंद थी खेल दिया लॉन्ग की दिशा में वहां पर हरीश जाधव मौजूद और एक रन पूरा किया शॉर्ट पिच गेंद खेल दिया अपर कवर्स की दिशा में गेंद सीमा रेखा के बाहर चार रनों के लिए यार इस बार खेल रहे वहां पर स्क्वायर लेग की दिशा में लेकिन वहां पर ओमकार मौजूद
एक बार रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास, लेकिन ऑफ के काफी बाहर है इसका नतीजा। वाइड लेफ्ट तो चल रहा वाइड अंक तो सामना करेंगे वहां पर नितिन। फिर से एक बार रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास यहाँ पर, लेकिन इस बार अच्छी लाइन और लाइन तो इस बार खेल दिया वहां पर फाइन लेग की दिशा में, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, तो एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा वहां पर नितिन को। इस एक रन की मदद से कुल स्कोर बढ़ता हुआ 55 और नितिन पहुंचे अपने कुल 33 के निधि स्कोर पर। अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी वहां पर, कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें क्योंकि टॉस करना है। हेलो, तो बजरंगी अगला मैच आराम 11 और 20-11 और इस मैच का टॉस करेंगे। का पहला पारी का पहला ओवर लेकर सुनील
सामना करेंगे राजू। तो तीसरी गेंद सुनील की, सामना करेंगे पहली बार राजू। शॉर्ट पिच गेंद उठा कर खेलने की कोशिश, लेकिन पूरी तरह से फिट हुए वहां पर। दो रन के लिए, इस दो रन के साथ कुल स्कोर हुआ 4। तो छोटी गेंद काफी बढ़िया गेंद सुनील द्वारा, पांचवी गेंद सुनील के काफी तेज तरार गेंदबाजी हो रही है सुनील के द्वारा। आखिरी गेंद सामना करेंगे राजू। पीछे गिनती कितना फायदा होता है
कोटे का पहला पारी का चौथा ओवर लेकर पहली गेंद फुल क्रॉस गेंद कैच ड्रॉप वहां पर दूसरी गेंद काफी बढ़िया गेंद चलो
तो शिव प्रकाश की तीसरी गेंद सामना करेंगे संदीप। काफी बढ़िया गेंद लेकिन थोड़ी सी मिस फील्ड, उसका नतीजा एक रन। इस एक रन के साथ स्कोर हुआ 40। शिव प्रकाश की काफी हल्के हाथों से खेली थी शॉट एक रन के लिए। बचे हुए काफी बढ़िया गेंद डॉट के रूप में बचे हुए 13 गेंदों में 17 रनों की जरूरत। छत्तीस गेंद खेल दिया स्कूल की तरफ और वहां पर काफी बढ़िया फील्डिंग दीपक नारवेकर की। अब्दुल फुलटॉस गेंद खेल दिया ऑफ साइड की दिशा में लेकिन वहां पर कैच आउट संदीप। बल्लेबाज विशाल हेलो अंपायर का निर्णय आखिरी निर्णय विशाल हेलो तो फिर से एक बार फ्री हिट शॉट আমার মন পাত
यार फोड़ उड़ते पे मुंडी का 44 14 रन चाहिए जिसके लिए 10 गेंदों में चार बॉल में दो रन के साथ लगाता है
स्कोर बढ़ता हुआ 56। चार गेंदों में दो रनों की जरूरत है। स्ट्राइक पर आए रमेश, रमेश कोई तरफ से तो में 28 रन बनाकर नाबाद। पहले पेड़ रखा हूँ तुम्हारे जैसा।